बसंत पंचमी के अवसर पर किसानों के मसीहा सर छोटू राम की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। आपको बता दें कि सर छोटू राम की जयंती को लेकर जाट भवन सेक्टर 12 करनाल में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। उसके बाद सर छोटू राम चौक नमस्ते चौक पर पहुंचकर बड़ी संख्या में किसानों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं उनके दिखाए रास्ते पर चलने का आह्वान किया। किसान नेताओं ने कहा कि सर छोटू राम की जयंती बसंत पंचमी के अवसर पर इसलिए मनाई जाती है क्योंकि सर छोटू राम चाहते थे कि उनकी जयंती बसंत पंचमी के अवसर पर मनाई जाए। इस अवसर पर किसान नेताओं ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि किसान आंदोलन को लेकर हम सर छोटू राम के दिखाए रास्ते पर ही आगे संघर्ष कर रहे हैं और जब तक केंद्र सरकार ये तीन काले कानून वापस नहीं लेगी आंदोलन जारी रहेगा। किसान सर छोटू राम की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद घरौंडा में चल रहे टोल प्लाजा आंदोलन पर पहुंचे और वहां पर भी हवन यज्ञ कर सर छोटू राम की जयंती मनाई गई। इस मौके पर मुख्य रूप से रामपाल सिंह चहल, जगदीप सिंह औलक, जोगिंदर सिंह, नाहर सिंह संधु, अवतार सिंह वड़ैच, सुखविंदर सिंह व अजय राणा के अलावा बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। किसान मसीहा दीन बंधु चौधरी छोटू राम जी की जयंती पर हम आज यहाँ करनाल में इकट्ठे हुए हैं। पहले जाट भवन में, जाट धर्मशाला में हवन किया गया, अब यहाँ पर नमस्ते चौक पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प मालाएं डालने के लिए और उनका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। इसके बाद गरौंडा टोल टैक्स पर पहुँचेंगे और आज हम बताना चाहते हैं जिस लड़ाई को आज किसान आंदोलन में किसान लड़ रहे हैं अपनी मंडियाँ बचाने की, अपनी फसलों की बचाने की, ये 1938-39 में चौधरी छोटू राम जी जब मंत्री थे, अंग्रेजों का राज था उस टाइम में, उन्होंने संयुक्त पंजाब में जो हरियाणा पंजाब है इसमें मंडियां विकसित करवाई थी, मंडी बोर्ड विकसित किया था और आज हम उसी 82 साल बाद उन्हीं मंडियों को बचाने की आज लड़ाई लड़ रहे हैं। और उन्होंने अपने बोले वाले किसानों को कहा था, एक तो अपने दुश्मन को पहचान लो और दूसरा बोलना सीख लो। आज भी हम उनके आदर्शों पर चलते हुए उनके आशीर्वाद से हमने अपने दुश्मन पहचाने हैं और उनके खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और हम इस लड़ाई को उनके आशीर्वाद से, उनके आदर्शों को मानते हुए हम जीत कराएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, आज सर छोटू राम की जयंती बसंत पंचमी पे बड़े उत्साह उल्लास से मनाई जाती है। सर छोटू राम एक हर वर्ग के लिए एक मसीहा बन के उभरे थे। 1881 में उनका जन्म हुआ था और 1845-46 में उनका देहांत हुआ था। वो 1945-46 में उनका देहांत हुआ था। इसके बीच में जितना भी उनका जीवन काल रहा, उन्होंने लोगों के उत्थान के लिए काम किया, किसानों के लिए काम किया, हर वर्ग के लिए काम किया। चाहे वो भूमि के कानून बनाने का था, चाहे वो अधिग्रहण भूमि कानून बनाने का था, चाहे वो कर्जा माफ़ी का कानून था, चाहे वो मंडी स्थापित करने के कानून थे। इसके अलावा भी उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं जो कि गिनाए तो बहुत लंबी लिस्ट बनती है। वो एक सिर्फ किसान किसान के नहीं, हर वर्ग के। देखिए, नाज हर वर्ग खाता है, रोटी हर वर्ग खाता है, तो उसने हर वर्ग को उठाने के लिए ये काम किए हैं। उन्होंने उपाधियां जो हासिल की हैं, ऐसे नहीं हुई उपाधियाँ, उनके कामों से। सर छोटू राम की जो उपाधियाँ अंग्रेजों ने दी थी, वो उनके काम को देखते हुए ये उपाधियाँ मिली है। आज क्या किया गया? आज उनकी जो स्टैचू, जो उनकी मूर्ति है, उस पर माला अर्पण की गई है। क्या कहेंगे किसान आंदोलन के चलते, जो आज किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आज उसके चरणों में बैठ के हम यही शपथ लेते हैं कि जो किसानों का आंदोलन, जो उनकी स्थापित की हुई मंडियाँ, जो उनके बनाए हुए कानून को जो आज सरकार हटा रही है, तो हम उसके लिए आंदोलनरत रहेंगे, आंदोलन करेंगे और जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे तो हम सर छोटू राम के चरणों में इस बात की सौगंध खाते हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे। क्या किया गया जी? दीन बंधु सर छोटू राम जयंती है। वैसे तो सर साहब का जन्म 24 नवंबर 1881 को हुआ था, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि भाई किसान वर्ग की खुशहाली के लिए, क्योंकि ये बसंत पंचमी पे हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं, सरसों भी पीली होते हैं, तो इन्होंने कहा था कि मेरा जन्मदिन जो है वो बसंत पंचमी के रोज मनाया जाए। तो इसीलिए अब हम इनकी जयंती जो है बसंत पंचमी के दिन मनाते हैं। वैसे सर साहब का असली नाम तो राम रिछपाल था, लेकिन क्या था कि परिवार में सबसे छोटे थे और लाडले को जैसे परिवार में बिट्टू पप्पू कह देते हैं, ऐसे इनको छोटू राम कहा जाने लगा। तो
इन एक साधारण परिवार से संबंध रखते थे, तो इन्होंने पता था कि भी किसान की क्या समस्याएं हैं, और इन्होंने बड़ा होकर किसानों के बारे में जो किया है वो अस्विमरणीय है, मतलब आज तक ना कोई कर सका है ना कोई करेगा। तो और अब ये जो जाट आंदोलन किसान आंदोलन जो चला हुआ है, इसमें भी हम इन्हीं के अपना प्रेरणा स्रोत मान के चल रहे हैं। डिसिप्लिन ढंग से, बड़े शांति प्रिय ढंग से हम ये आंदोलन चला रहे हैं, और हम रैबर आजम के आशीर्वाद से इस आंदोलन में कामयाब होंगे। ये हमारा किसान आंदोलन बिल्कुल सक्सेसफुल होगा। इसमें जो हमारे ऊपर ये तीन काले कानून थोपे गए हैं सरकार द्वारा, इनको निरस्त करा के ही हम दम लेंगे। इसके लिए हमें कितना ही लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। कसम खाली? कसम खाली? बिल्कुल पक्की कसम है कि ये कानून वापिस होंगे। ठीक है, नहीं तो बैठे हैं। आगे आगे कहाँ जाएंगे बाप? आगे अभी टोल प्लाजा पे हमारा किसान धरना चला हुआ है, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे भी हवन यज वगैरह करेंगे।